हेलो दोस्तों होप यू आर डूइंग वेल तो चलिए बात करते हैं डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज इंट्रोडक्शन अ डेटा स्टोर में भी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स ईच प्रोसेस दैट कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम द स्टोर इज अज्यूम टू हैव अ लोकल और नियर बाय कॉपी अवेलेबल ऑफ द एंटायर स्टोर तो एक जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मल्टीपल मशीन्स के अक्रॉस ओके सो हर एक प्रोसेस को अगर डेटा स्टोर को एक्सेस करना है फॉर अ पर्टिकुलर डेटा तो वो क्या करता है वो लोकल नियर बाय कॉपी बना के रखता है पूरे के पूरे स्टोर की ताकि वो वहाँ से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सके नाउ स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल हमारा पहला मॉडल ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल एनी रीड ऑन अ डेटा आइटम एक्स रिटर्न्स अ वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट राइट ऑन एक्स तो अगर हमको डेटा आइटम एक्स को रीड करना है तो वो क्या कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा हमको जो भी रिसेंट राइट हुआ रहेगा एक्स के ऊपर अगर कुछ राइट हुआ है रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस को अपडेट करके हमको डेटा सेंड करेगा ताकि हम उसको अपडेटेड डेटा हम पढ़ सकें ऑफ एक्स आइटम ना दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म ऑफ मेमरी कोहेरेंस विच एज द मोस्ट स्ट्रिजेंट कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट स्ट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एज द नेम सजेस्ट इसमें जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होती है ऐसी स्ट्रिंजेंट कंसिस्टेंसी की ही रिक्वायरमेंट होती है और इसे स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म ऑफ मेमरी कोहेरेंस कहा जाता है स्ट्रिक कंसिस्टेंसी इज द आइडल मॉडल बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट ग्लोबल टाइम और अ ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन कमिटमेंट ऑफ चेंजेस तो स्ट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल जो है वो एक आइडल मॉडल ज़रूर है लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इज़ हाईली इम्पॉसिबल ये एब्सोल्यूट ग्लोबल टाइम पे बेस्ड होता है या फिर जिसे हम कहें ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन कमिटमेंट ऑफ चेंजेस न सुवेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल इट इज अम्पॉर्टेंट डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल विच इज अ लाइटली वीकर देन स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी तो स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा वीक होता है अ डेटा स्टोर इज सेट टू बी सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट इफ द रिजल्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन इज द सेम एज इफ द रीड एंड राइट ऑपरेशन बाई ऑल प्रोसेस ऑन द डेटा स्टोर वर एग्जीक्यूटेड इन सम सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड द ऑपरेशन ऑफ इच इंडिविजुअल प्रोसेस शुड अपियर इन दीक्वेंस इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर तो डेटा स्टोर जो है Uh, उसको सिक्वेंशली कंसिस्टेंट कहा जाता है जब जो रिजल्ट उसमें है किसी भी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट सेम हो जैसे कि उस पर कोई रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगा दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम बाई ऑल प्रोसेस ऑन द डेटा स्टोर वर एग्जीक्यूटेड इन सम सिक्वेंशियल ऑर्डर ऐसा लगना चाहिए कि सारे के सारे जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हुए हैं जैसे कि एक पहले रीड ऑपरेशन हुआ उसके बाद अगर कोई राइट ऑपरेशन हुआ तो अगर नेक्स्ट रीड ऑपरेशन हुआ तो दैट शुड बी अपडेटेड वन जो भी राइट ऑपरेशन होने के बाद जो भी चेंजेस हुए पर्टिकुलर डेटा आइटम पे वो हमको दिख के आने चाहिए सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि एवरी थिंग हैज़ बिन डन इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड द ऑपरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोसेस शुड अपियर इन दिस सीक्वेंस इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस का जो ऑपरेशन है वो uh, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में हमें दिखना चाहिए एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कीजिए कि तीन ऑपरेशन है रीड है राइट है एंड देन रीड है uh, इसी ऑर्डर में परफॉर्म किया गया है इन अ मेमोरी एड्रेस देन आर वन वन एंड आर टू दैट इज रीड वन राइट वन एंड रीड टू देन रीड वन रीड टू एंड राइट वन राइट वन रीड वन एंड रीड टू रीड टू राइट वन एंड राइट वन आर एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड ऑल प्रोसेसेस सी द सेम ऑर्डरिंग तो अब ऐसे अलग अलग तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं जैसे तीन ऑपरेशन हैं तो पहला ऑपरेशन कैसा हो सकता है कि पहले हम डेटा को रीड करें फिर उसमें राइट करें फिर वापस रीड करें फिर सेकेंड कैसा हो सकता है कि हम पहले डेटा को रीड करें फिर दूसरी बार डेटा को रीड करें फिर, करें फिर राइट करें फिर राइट करना फिर दो बार डेटा को रीड करना फिर रीड करना एंड देन डेटा को राइट करना एंड देन रीड करना सो so, ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल हैं बस ये मेक श्योर sure होना चाहिए कि सारे प्रोसेस की जो ऑर्डरिंग है वो सेम हो ना लीनरलाइजिलिटी इट इज़ वीकर देन स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी बट स्ट्रांगर देन सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी तो स्ट्रिक्ट से तो वीकर है लेकिन सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी से स्ट्रांग है लीनरालाइजिलिटी अ डेटा स्टोर इज सेट टू बी लीनियइजेबल वेन ईच ऑपरेशन इज टाइम स्टैम्प्ड एंड द रिजल्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन इज द सेम एज इफ द रीड एंड राइट ऑपरेशन बाई ऑल प्रोसेस ऑन द डेटा स्टोर data डेटा स्टोर वर in इन sequential ऑर्डर सो यहाँ पे डेटा uh, स्टोर को लिनलाइजेबल कब कहा जाएगा जब उसमें सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो टाइम हो ओके okay? उनपे प्रॉपर टाइम स्टैम्प हो कि कब कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया है और जो भी उनका रिजल्ट आता है किसी भी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट वो सेम होना चाहिए uh, जैसे ऐसा लगे जैसे एज इफ द रीड एंड राइट ऑपरेशन बाई ऑल प्रोसेज ऑन द डेटा स्टोर वर एग्जीक्यूटेड इन सम समीक्शियल ऑर्डर तो रिजल्ट शुड लुक लाइक इन सच अ मैनर दैट दे हैव बीन प्रोसेस्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ठीक है द ऑपरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोसेस अपियर इन सीक्वेंस ऑर्डर स्पेसिफाइड बाई इट्स प्रोग्राम तो जो भी प्रोग्राम है उसमें जो भी ऑर्डर डिसाइडेड है उसी ऑर्डर में जो भी ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोसेस इफ टी एस ओ पी वन ऑफ एक्स इज लेस देन टी एस ओ पी टू ऑफ वाई देन ऑपरेशन ओ पी वन ऑफ एक्स शुड बी शुड प्रीसीड ओ पी टू ऑफ वाई इन दिस सीक्वेंस तो अगर टाइम स्टैम्प टी एस इज टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प ऑफ ऑपरेशन वन ऑफ एक्स ये जो है इट इज़ लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ ऑपरेशन टू ऑफ वाई देन ऑपरेशन वन ऑफ एक्स शुड बी प्रोसीड ऑपरेशन टू ऑफ वाई तो अगर जिसका टाइम स्टैम्प कम है जैसे जो पहले एग्जीक्यूट हुआ है तो उसका वैल्यू लेस होगा एंड uh, uh, जो बाद में एग्जीक्यूट हुआ है उसका वैल्यू uh, ज़्यादा होगा एंड उसी के बेसिस पे ऑपरेशंस की जो सीक्वेंसिंग है वो होनी चाहिए जिसका टाइम स्टैम्प कम वो पहले एग्जीक्यूट होगा जिसका टाइम स्टेम ज्यादा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा सो दैट्स वाई टाइम स्टेम प्लेज अम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कंसिस्टेंसी मॉडल नाउ कॉजल कंसिस्टेंसी इट इज़ वीकर मॉडल देन सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी सीक्वेंशियल से भी वीक है ये इन कॉजल कंसिस्टेंसी ऑल प्रोसेस सी ओनली दोज मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन इन द करेक्ट ऑर्डर दैट आर पोटेंशियली कॉजली रिलेटेड तो कॉजल कंसिस्टेंसी में सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो बस उन्हीं मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशंस को देखते हैं जो करेक्ट ऑर्डर में हो दैट आर कॉजली रिलेटेड जो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो उन्हीं मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशंस को करेक्ट ऑर्डर में डालते हैं एंड उनको ही एक्जीक्यूट करते हैं ना मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशंस विच आर नॉट रिलेटेड मे बी सीम मे बी सीन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इन डिफरेंट ऑर्डर तो जितने भी मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन रिलेटेड नहीं होंगे वो दूसरे प्रोसेस को दूसरे ऑर्डर में दिखेंगे अ मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन इज सेट टू बी कॉजली रिलेटेड टू अनदर मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन इफ़ द फर्स्ट ऑपरेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेकेंड ऑपरेशन तो हम कब कहेंगे कि कोई भी मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन कॉजली रिलेटेड है टू अनदर मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन अगर फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो सेकेंड ऑपरेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो if a राइट ऑपरेशन is कॉजली रिलेटेड to अनदर राइट द एक्सेप्टेबल ऑर्डर is W1, W2 कामा so, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक राइट ऑपरेशन है डब्ल्यू टू जो कि रिलेटेड हुआ अनदर राइट ऑपरेशन से दैट इज डब्ल्यू वन तो उस केस में जो एक्सेप्टेबल ऑर्डर है दैट विल बी डब्ल्यू वन कामा डब्ल्यू टू नीफो और प्राइम कंसिस्टेंसी मॉडल जिसे हम पाइपलाइंड रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉडल भी कहते हैं इट इज़ वीकर देन कौशल कंसिस्टेंसी कौशल कंसिस्टेंसी से वीक है ये मॉडल दिस मॉडल इंश्योर्स दैट ऑल राइट ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ सिंगल प्रोसेस आर सीन बाय ऑल अदर प्रोसेसिस इन द ऑर्डर इन विच देवर परफॉर्म लाइक अ सिंगल प्रोसेस इन अ पाइपलाइन सो बेसिकली ये मॉडल क्या इंश्योर करता है कि सारे के सारे राइट right ऑपरेशन जो एक सिंगल प्रोसेस ने परफॉर्म किए हैं इस पर्टिकुलर नोड पे वो सारे के सारे ऑपरेशन दूसरे प्रोसेस को भी वैसे ही दिखने चाहिए जैसे सिंगल प्रोसेस ने परफॉर्म किया है इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली लाइक अ पाइपलाइन दिस मॉडल इज सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट हैविंग गुड परफॉर्मेंस बिकॉज प्रोसेस आर रेडी इन द पाइपलाइन तो ये मॉडल जो है वो बहुत सिंपल होता है और ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है बिकॉज इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है एंड सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो पाइपलाइन में रेडी स्टेट में होते हैं Implementation is done by इज डन operations performed at ईच node इंडिपेंडेंटली ऑफ़ द operations परफॉर्मड ऑन अदर nodes तो यहाँ पे जो implementation होता है वो कैसे होता है जब हम राइट ऑपरेशन को सीक्वेंस कर कर देते हैं हर एक node पर जितने भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उनको सीक्वेंस कर देते हैं एंड वो सारे के सारे अदर ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट होते, है, होते, है, होते हैं जो दूसरे nodes पर operations परफॉर्म होते हैं उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं ये वाले operations फॉर example इफ़ w

Uh, जो प्रोसेस पी वन ने परफॉर्म किए हैं डब्लू इलेवन एंड डब्लू ट्वेल्व एंड यही ऑर्डर भी है उनका देन देर अनदर प्रोसेस पी टू जिसने डब्लू ट्वेंटी वन एंड डब्लू ट्वेंटी टू परफॉर्म किए हैं इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली तो उस केस में जो प्रोसेस पी थ्री है वो इन्हें कैसे देख पाएगा डब्लू अलेवन डब्लू ट्वेल्व एंड देन डब्लू ट्वेंटी वन एंड डब्लू ट्वेंटी टू और पी फोर नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसेस फोर की अगर बात करूँ मैं तो वो उन्हें ऐसा भी देख सकता है जैसे डब्ल्यू ट्वेंटी वन एंड डब्ल्यू ट्वेंटी टू पहले हुआ है एंड देन डब्ल्यू इलेवन एंड डब्ल्यू ट्वेल्व परफॉर्म हुआ है सो या इट कैन वेरी बिट ऑफ इट बट जो मेन ऑपरेशन हर एक प्रोसेस ने परफॉर्म किया है वो तो सेम ही रहेगा दोनों को कंबाइन करके अगर देखा जाए तब डिफरेंस आएगा नाउ वीक कंसिस्टेंसी मॉडल

विच इज़ यूज टू सिंक्रनाइज मेमोरी। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी सिस्टम वी कंसिस्टेंसी मॉडल को सपोर्ट करता है और क्या यूज करता है एक स्पेशल वेरिएबल यूज करता है जिससे सिंक्रनाइजेशन हो सके मेमरी का एंड दैट इज नोन एज सिंक्रनाइजेशन वेरिएबल वैन अ प्रोसेस एक्सेसिसक्रनाइजेशन वेरिएबल द एंटायर मेमरीनाइज बाई मेकिंग विजिबल द चेंजेज मेड टू द मेमरी टू ऑल अदर प्रोसेसिज तो जब भी कोई भी प्रोसेस सिंक्रनाइज़ेशन वेरिएबल को एक्सेस करता है तो उस मेमोरी के अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो सिंक्रनाइज़ हो जाएगा एंड इट विल बी विजिबल जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे विजिबल होंगे दूसरे प्रोसेस को जो भी मेमोरी में जितने भी चेंजेस हुए हैं रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल टेल्स वेदर प्रोसेस इज एंटरिंग और एग्जिटिंग फ्राम अ क्रिटिकल सेक्शन सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स इधर ऑफ दी ऑपरेशन वेन अंक्रनाइजेशन वेरिएबल इज एक्सिस बाई अ प्रोसेस तो रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल क्या बताता है हमें कि कोई भी प्रोसेस एंटर कर रहा है सिस्टम में या एग्जिट कर रहा है सिस्टम से फ्रॉम अ क्रिटिकल सेक्शन कोई भी क्रिटिकल सेक्शन से सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स इधर ऑफ़ द ऑपरेशन वैन अर सिंक्रनाइजन वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाई अ प्रोसेस जब भी किसी प्रोसेस ने सिंक्रनाइन वेबल को वेरिएबल को एक्सेस किया तो उस टाइम पे सिस्टम को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सिस्टम ऐसे ही पता करता है रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल का यूज करके टू सिंकनाइजन वेरिएबल्स एक्वायर एंड रिलीज़ आर यूज इंस्टेड ऑफ सिंगल सिंक्रनाइेशन वेरिएबल तो यहाँ पर दो सिंक्रइजेशन वेरिएबल्स का यूज होता है आ, एक्वायर एंड रिलीज एक्वायर इज यूज वैन अ प्रोसेस एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन एंड रिलीज इज़ वैन इट एग्जिट्स अ क्रिटिकल सेक्शन दोनों वेरिएबल्स की फंक्शनैलिटीज कुछ इस प्रकार है कि एक्वायर तब यूज़ होता है जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है एंड रिलीज uh, तब यूज़ होता है जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ता है सो रिलीज़ कंसिस्टेंसी कैन बी व्यूड एज सिंक्रनाइजेशन मेकेजम बेस्ड ऑन बैरियर्स इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस तो रिलीज कंसिस्टेंसी को हम uh, ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि इट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जो कि बैरियर्स पे बेस्ड है इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस एंट्री कंसिस्टेंसी मॉडल विच इज द लास्ट कंसिस्टेंसी मॉडल ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल इन एंट्री कंसिस्टेंसी एवरी शेयर डेटा आइटम इज एसोसिएटेड विद अ सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल तो यहाँ पे हर एक डेटा आइटम इज एसोसिएटेड विद सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल इन ऑर्डर टू एक्सेस कंसिस्टेंट डेटा ईच सिंक्राइशन वेरिएबल मस्ट भी एक्सप्लिसिटली एक्वायर्ड अगर हमको डेटा कंसिस्टेंट चाहिए तो उस केस में हमको हर एक सिंकोनाइजेशन वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली एक्वायर करना पड़ेगा रिलीज कंसिस्टेंसी अफेक्ट्स ऑल शेयर डेटा बट एंट्री कंसिस्टेंसी अफेक्ट्स ओनली दो शेयर डेटा असोसिएटेड विद अनाइजेशन वेरिएबल तो रिलीज कंसिस्टेंसी जो है वो किसको अफेक्ट करता है सारे के सारे शेयर डेटा को अफेक्ट करता है लेकिन जो एंट्री कंसिस्टेंसी है वो वाला वेरिएबल इट ओनली अफेक्ट्स दो शेयर डेटा एसोसिएटेड विद अ सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल तो जितने भी डेटा सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल से एसोसिएटेड हैं उनको ही अफेक्ट करता है एंट्री कंसिस्टेंसी ओके सो दिस वाज अबाउट द एंट्री कंसिस्टेंसी मॉडल एंड हियर वी एंड आर डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा So please like, share and subscribe. Thank you so much.